फ्रेंड्स, वेलकम टू वैदिक स्टार्ट इन। मैं हूँ आपकी फ्रेंड सुभ्रा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो आज हम लोग एक बहुत ही इजी क्विक फिक्स रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जो कि आप डिनर में, लंच में, ब्रेकफास्ट में कभी भी ले सकते हैं। और ये है फ्यूजेले पास्ता सैलेड। और इस सैलेड में हमने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है, और इसमें ये जब भी आप बनाएंगे तो ये हमेशा ही आपको टेस्टी लगेगा, क्योंकि कम इंग्रेडिएंट है, लाइट फील कराएगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही कंप्लीट फूड है आपके लिए। तो और ये वेट लॉस में भी बहुत मदद करता है। तो उसके लिए हम लोग एक कंटेनर लेंगे और उसमें सबसे पहले फ्यूजेले पास्ता को बॉयल करके रख लेंगे। बॉयल करके मैंने इसे स्ट्रेन कर दिया था कुछ समय के लिए, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाए। अब इसमें हम लोग कुछ मिंट लीव्स डालेंगे, लगभग एक छोटी चम्मच के करीब फ्रेश मिंट लीव्स हैं इसमें, वो डालेंगे। फिर एक छोटी चम्मच के करीब ही हमें हरी मिर्च को चॉप करके डाल देना है। अब धनिया पत्ता जो है वो लगभग 2 टेबलस्पून डालेंगे, और यहाँ पे मैंने हैलपिनो और ग्रीन ऑलिव भी चॉप करके डाल दिया है, और साथ ही में यहाँ पे ब्लैक ऑलिव्स भी डालेंगे। अब पास्ता एंड पिज्ज़ा जो सॉस है हमारे पास, वो भी हम लोग लगभग 1.5 टेबलस्पून के करीब यूज़ करेंगे। और ये रहा हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो इस रेसिपी को बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। इसमें नमक भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सॉस होता है उसमें आपको नमक, तीखापन सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप चाहें, अगर आपको नमक ज़्यादा पसंद है और आपको इसमें लगे कि कम है तो आप डाल सकते हैं। बस इतना ही इंग्रेडिएंट है और ये आपके लिए झटपट बस 2-3 मिनट के अंदर ये रेसिपी तैयार हो जाएगी और आप इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऊपर से गार्निशिंग के लिए भी थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दें, और रेसिपी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, जब भी आपको मन हो जल्दी से कुछ बनाने का और अर्जेंट आपको भूख लग रही हो, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और ये वेट लॉस में भी आपका मदद करेगा, क्योंकि आप ये कंप्लीट मील आप ले रहे हैं और आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपको फुल हमेशा फील होगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको अभी और भी एक्स्ट्रा कुछ खाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।